हम तो मुंतजर रहते हैं किसी से कोई गलती हो जाए तो जल्दी से आम करो ताकि ये इस मकाम से गिरे। खुदा की कसम मुसलमान को जहील करने वाला अल्लाह की नजर से पहले गिर चुका है। जो अल्लाह की नजर से गिरा हुआ है वो किसी को अल्लाह की नजर से गिराने में क्या कामयाब होगा? सीधी बात है। इसलिए बेशक लहन मुनकर एक बड़ा फरीजा है, लेकिन इस फरीजा का भी खुदा की कसम इस तरह मुतायन तरीका है जिस तरह नमाज की अदायगी का मुतायन तरीका है। जिस तरह नमाज अपने तरीके से हटकर मुफसिद है, जिस तरह नमाज अपने तरीके से हटकर मुफसिद है, इसलिए नहन मुनकर का फरीजा अपने तरीके से हटकर सबसे बड़ा मुफसिद है। नमाज तो फसाद पैदा करेगी इसके अल्लाह के दरमियान के ताल्लुकात पर, बिगड़ी हुई नमाज तो फसाद पैदा करेगी इसके अल्लाह के दरमियान के ताल्लुकात पर, लेकिन मुनकर के तरीके का बिगड़ना ये फसाद पैदा करेगा इसके और उम्मत के दरमियान। इसलिए फरमाया कि मोमिन के फैल की तावील करो। तावील के करने का मतलब क्या है? तावील का मतलब यह है कि पूरी कोशिश इस बात पर लगा दो कि मोमिन का गुनाह साबित ना हो, मोमिन का जुर्म साबित ना हो, इस पर ताकत लगा दो कि मोमिन का जुर्म साबित ना हो। इसे कहते हैं तावील। तावील का तर्जुमा असल यह है कि ताकत लगा दो अपनी कि मोमिन का गुनाह साबित ना हो। अली अल्लाह ने क्या चोर लाया गया, तावील की क्या चुराया? ऊंट चुराया। चोर एतराफ कर रहा ऊंट मौजूद है चुराया हुआ। फरमाया हज़रत अल्लाह तआला ने चोरी नहीं की होगी आपने, सारे ऊंट एक ही शक्ल के होते हैं, आपको शुबा हो गया होगा कि ये मेरा ऊंट है किसी और का निकला। तावील पहले ताकि ये इसको हाँ कर दे बात खत्म हो जाए, भाई तुम्हारा ऊंट है तुम ले जाओ, इन्होंने बेचारों ने अपना समझकर खोला था वो आपका निकला, ऊंट एक शक्ल के होते हैं आमतौर से, इसलिए कोई चोरी नहीं की, जाओ चोरी 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 साबित ना होने दो। चोर ने कहा नहीं मैंने चोरी की है, मैंने चोरी की है, हक कायम कर दिया, मैंने चोरी की है, एतराफ कर दिया चोर ने। हज़रत अल्लाह ने जल्लाद को बुला लिया और उठकर चले गए, उठकर चले गए। बहुत देर के बाद तशरीफ लाए, यहां तो फसाद को बाकी रखने के लिए कहा जाता है कि अगले मशवरे में रखेंगे इसको, अगली मीटिंग में रखो, अगली मीटिंग में रखो। खुदा की कसम जो गैरों की अदालतों का हाल है मुसलमानों के उमूर में, वह हमारे मशवरों का हाल है अपने साथियों के उमूर में। मैं कुछ कहना चाहता हूं, इसे फिर पकड़ेंगे, इसे फिर देखेंगे, इसे फिर देखेंगे। जी अली रज़ी अल्लाह तआला ने उठकर चले गए, मजलिस खत्म हो गई। इस मजलिस का खत्म होने ने इस मामले को ऐसा खत्म कर दिया कि अली रज़ी अल्लाह ने वापस आकर उस आदमी से इस तरह बात की जैसे इससे पहली मुलाकात हो रही है। तो क्या बात है, कहां से आए हो, क्या है, तुमने चोरी की है? इससे पूछ रहे उससे चोरी को जैसा अब तक इससे कोई बात हुई नहीं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ उम्मा Dailymarkers.com। क्या बात है? उसने कहा नहीं जी मैंने चोरी नहीं की। फरमाया जाओ छुट्टी तुम्हारी, हाँ देखो जाओ छुट्टी। साथियों मैंने ये क्या किया आपने, जल्लाद मुंतजिर बैठा है, उसने इकरार कर लिया। अच्छा ये फरमाया मैंने उसके इकरार की वजह से जल्लाद को बुलाया था, उसके इनकार की वजह से भी छोड़ दिया, जल्लाद पे भेज दिया, किस्सा खत्म करो। जब मुसलमानों का मिजाज मुकदमात को बाकी रखने का होगा मोमिन के खिलाफ, खुदा की कसम गैर हंसेंगे मुसलमान रोएंगे। दूसरी सच बात क्या, ये तरीका नहीं बताया गया था। मुसलमान के फैल की तावील का हुक्म इसलिए था ताकि तुम मुसलमानों की इज्तमाईत को देखकर गैर तुम्हारे आने आने की हर्ज करें, इनके दरमियान दाखिल हो जाओ, इज्जत यहां मिलेगी। जी हाँ, इज्जत यहां मिलेगी, मोहब्बत यहां मिलेगी, जानिसारी यहां मिलेगी, वो बात नहीं है। खुदा की कसम जब तक मुसलमानों की मुख्तलिफ जमीयतें
एक दूसरे का कौल फैल की तावील नहीं करेंगी, एक दूसरे के अमल की ताइद नहीं करेंगी, उम्मत में इज्तिमाइयत नहीं हो सकती, उम्मत में इज्तिमाइयत नहीं हो सकती। इसलिए ये फरिश्ते नहीं इंसान हैं। इंसान के लिए भूल आदम अलैहिस्सलाम में चल रही है, फनसिया भूल गए, लेकिन हमने इस भूलने वाले को अपनी भूल पर अड़ने वाला नहीं पाया। लम नजिल्लहु अज़मा, लम नजिल्लहु अज़मा का मतलब यह है कि आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती पर अड़ने वाले नहीं थे, शैतान अड़ने वाला था, वो अड़ने वाले नहीं थे। लम नजिल्लहु अज़मा, हमने आदम के अंदर अपने गुनाह पर अड़ने वाला ख्याल भी नहीं पाया कि वो गुनाह पर अड़े। ये भी नहीं कह रहे मैंने सही किया है, बल्कि रब्बना ज़लमना अन्फुसना, पक्की बात यह है कि हमने ज़ुल्म किया है। मुअतरिफ, गुनाह का एतराफ करने वाले के लिए अल्लाह की आंखों कबूलियत है, अड़ने वाले के लिए महरूमी है। शैतान अड़ गया, आदम अलैहिस्सलाम डर गए, एक अड़ गया एक डर गया, जो डर गया वो कबूल हो गया, जो अड़ गया मरदूद हो गया। सीधी सीधी बात, इसलिए ये एक बुनियादी चीज ये है कि साथी फरिश्ते नहीं है, गलतियां होंगी। यहां सारा फसाद इसका है, फलां को ऐसा होना चाहिए, फलां को ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए। जब इस पर आ जाओगे तो बताऊं मैं अगला कदम क्या होगा, कि अगला कदम यह होगा कि तुम भी गलत हो, वो कहेंगे तुम भी गलत हो। ये रास्ता यहूदियों का है, दो फिरके जब बनते हैं, जब एक दूसरे की तर्दीद पर आ जाते हैं, जी दोनों एक दूसरे की तर्दीद कर रहे हैं, तुम भी गलत हो गए, तुम गलत हो गए, तुम गलत हो गए, तुम गलत हो। उम्मत कहाँ जा रही कि इनमें से तो कोई भी सही पर नहीं, हम कहाँ जा रहे, उम्मत कहाँ जा रही, जो ना कह रहे ये भी गलत है, वो कह रहे ये भी गलत है, उम्मत कहाँ जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों अजीजो, तो मैं आज कर रहा था कि ये गलतियां होंगी, तुम्हें राय का नहीं है, जो कहें कि जब किसी साथी से गलती हो जाए तो उसकी कुर्बानियां और उसके महासिन याद करो, जब किसी को गलती हो जाए उसकी कुर्बानियां याद करो। मैं आज कर चुका हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले देखा ये कि इससे गलती हुई है, वाकई गलती हुई, ये है कौन, गलती को नहीं देख रहे हैं, गलती करने वाले को देख रहे हैं, ये कौन है। हम गलती करने वाले को नहीं देखते, गलती को देखते हैं, गलती क्या की है। हाफिज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुकर्रमा पर हमले का राज फाश कर दिया मुशरिकीन पर, इससे बड़ी गलती कोई नहीं है। हज़रत उमर चाहते थे कत्ल कर दें, मुनाफिक है ये, फरमाया उमर तुम इसे कत्ल कर रहे हो, और ये बदरी साहबी है, सुनो तो सही कितनी बड़ी बात है, आपके मक्का मुकर्रमा पर हमले का राज मुशरिकीन पर खोलना चाह, अल्लाह ने वही से आपको खबर कर दी, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। हज़रत उमर ने चाह कत्ल कर दें इनको, फरमाया उमर ये बदरी सहाबी हैं, पर अल्लाह कह चुके हैं बदर वालों जो चाहो करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर चुके हैं। मेरे दोस्तों ऐसे में नहीं मालूम किसकी कुर्बानियां, किसका इखलास अल्लाह के यहाँ किस दर्जे पर है, हम ये कहकर किसी को निकाल दें। देखो मेरी बात याद रखना, इस काम से किसी को ना निकाला गया है, ना खुदा की कसम कभी किसी को निकाला जाए। हाँ डरना हमें सबको चाहिए, तुम्हारे लिए ऐसा का महफूज है कि ये काम एक ऐसा समंदर है जो मरी मछली को बाहर खुद फेंक देगा, बहुत डरना चाहिए, बहुत डरने की बात है। ये उसूल है, आप देखेंगे साहिलों पर, आपका तो इलाका साहिल इलाका है, आप देखेंगे बड़ी बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां, वो आपको साहिल पर मरी पड़ी मिलेंगी। ये वो मछलियां हैं जिनको मरने के बाद पानी के लहरों ने समंदर से बाहर निकाला।